मशहूर फिल्म अभिनेता अजय देवगन की फिल्म गंगाजल तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें एसपी की भूमिका में अजय देवगन ने आम नागरिक की तरह बस में सवार होकर चेकिंग के नाम पर बस यात्रियों से अभद्रता और परेशान करते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करते देखा है। वैसा ही एक फिल्मी स्टाइल में मामला धार में सामने आया है, जिसमें बसों में अधिक किराए वसूलने की लगातार शिकायतों, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के निर्देशों पर आरटीओ धार हरदेश यादव द्वारा निजी यात्री बसों में एक यात्री बनकर सफर किया गया। इस दौरान उन्होंने बसों में निर्धारित से अधिक राशि किराए के रूप में वसूलते बसों पर कार्यवाही की। इंदौर से महू, पीथमपुर और इंडोरामा तक के इस पूरे सफर के दौरान आरटीओ यादव ने कुल 4 बसों पर कार्यवाही की है। साथ ही अधिक किराए ली जाने वाले यात्री बसों के परमिट निलंबित किए जाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इंदौर को पत्र भी लिखा गया। आपको बता दें कि धार जिले में बड़ी संख्या में बिना परमिट और शासन द्वारा निर्धारित मापदंड से अधिक किराया वसूलने और बस मालिकों परिचालकों द्वारा यात्रियों से अभद्रता करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन वर्षों बाद इस मामले पर ध्यान देते हुए कार्यवाही हुई है। आरटीओ हरदेश यादव ने बताया कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। धार से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मऊ से फिर आपको चेंज कराएंगे? चेंज कराएंगे। बैठे तो वो 18 किलोमीटर है और वहाँ के यात्रियों से 40 से 50 रुपए लिया, हालांकि नंबर अपने पास है, फिर भी आपसे तो इंदौर से बैठे उनसे पूछा तो उनसे लिया 80 रुपये। और फिर मतलब जो अपने माउथ जबकि 1.25 वो अपना किराया 1 किलोमीटर के दाम करीब 1.25 रुपये प्रति किराया लो, उसके फूल में भी बनता नहीं खर्च सर। आज क्या कार्रवाई की गई सर? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय परिवहन मंत्री महोदय के निर्देश थे कि आम जनता को जितना विभागीय रूप से हम सुविधा दे सकते हैं, उसी के तारतम्य में आज कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमने जो यात्री बसों में बढ़े हुए किराए की जो शिकायतें मिल रही थी, जिसकी हम लोग पूर्व में भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी, आज फिर हमने देखा कि क्योंकि बढ़ा हुआ किराया निर्धारित जो दर है उससे ज़्यादा लिया जा रहा था, तो मैं स्वयं एक यात्री के रूप में जो है मैंने आज सफ़र किया तो पाया कि 80 रुपये जो है इंदौर पीथमपुर का किराया लिया जा रहा है, इंडोरमा का जो है 100 रुपये किराया लिया जा रहा है। तो इसमें हमने यात्रियों से भी बात की थी और कई ऐसे जो मजदूर वर्ग के हमारे भाई बहन हैं उनसे भी हमने बात की, उनसे भी 100 रुपये लिया गया। ये बहुत ही चिंता का विषय था, तो कलेक्टर महोदय ने तत्काल इसको कल हमको संज्ञान में लेके बोला था कि इसमें कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें, उसी के तारतम्य में आज हमने 4 बसें बंद की हैं। तो सर क्या लगता है सर, ये ग्राउंड लेवल की ये कार्रवाई है सर पूरी, तो इससे मतलब किस तरीके से लोगों को फ़ायदा होगा? नहीं देखिए, निश्चित रूप से यदि किराया कोई व्यक्ति ज़्यादा ले रहा है तो एक आम व्यक्ति उससे प्रभावित होगा, और जो शासन ने दर निर्धारित की है उतने ही किराया यदि लिया जाएगा तो आम आदमी की जो जेब पे जो खर्च है वो कम पड़ेगा और वो निश्चित रूप से शासन की योजनाओं का लाभ ले पाएगा। सर ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी सर? हाँ, कार्रवाई तो निरंतर जारी रहेगी। इसमें नोटिस के लिए अभी जो है मैंने जितनी भी हमने बसें बंद की हैं उनके परमिट निलंबन के लिए हम लोग जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जो इंदौर है उसको हम लिखने वाले हैं और वहाँ से निलंबन की कार्रवाई वहाँ से की जाएगी। सर ये बसों पे जो किराया लगाने का है, हाँ इन बसों पे किराया कितना है ये पाया गया? नहीं, कोई भी अभी निर्धारण जो इन लोगों के पास नहीं पाया गया था, ना ही कोई सूची इनके पास पाई गई, उसके लिए भी हमने इनको निर्देशित किया है और इनको भी चूंकि बस मालिकों की जितनी गाड़ी हमने पकड़ी हैं उनको भी हम लोग नोटिस जारी करके बताने वाले हैं कि जितनी किराया सूची है वो भी आप लोगों को चस्पा करनी पड़ेगी जो निर्धारित नियम में है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।